ऑडियंस को किस प्रकार के गाने पसंद आते हैं? जो हमारे श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें किस प्रकार का गाना पसंद आएगा, ये अगर हमें मालूम हो, तो क्यों ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम उनका दिल जीत लेंगे और हम छा ही जाएंगे ऑडियंस में, जो भी हमें लोग सुन रहे हैं, भले ही 4 लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर उनके मन की बात हम जान लें कि यार इनको क्या पसंद आएगा, है ना? क्योंकि कलाकार जो है वो दो ढंग से गाता है, एक मनोरंजन के लिए और एक आत्मरंजन के लिए, है ना? एक मनोरंजन दूसरों का भी हो सकता है, खुद का भी हो सकता है, और जो खुद का जो मनोरंजन है उसे हम आत्मरंजन कहते हैं, हमारी आत्मा को रंजक करता है वो, है ना? तो दूसरों को खुश करने के लिए जब हम गाते हैं, उन्हें उनके लिए प्रस्तुति हम दे रहे हैं, तो ऐसा क्या गाएं कि उन्हें पसंद आ जाए? अगर उसका राज हमें मालूम चल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये एक सवाल है जो लोग मुझसे पूछा करते हैं अक्सर, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं, इस पर जवाब देते हैं, अपनी नॉलेज अनुसार कुछ बताते हैं, कुछ बातचीत हो जाए, है ना, कि ऐसा क्या है जो ऑडियंस को पसंद आता है। तो आइए देखते हैं पूरे वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा तभी इसका जवाब आपको मिलेगा। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। कभी ना खत्म हुई गो शिकायतें अपनी, कभी ना खत्म हुई गो शिकायतें अपनी। उसी उरूज पे अभी हैं चाहते अपनी, कभी न खत्म हुई गो शिकायतें अपनी। कतील शिफाई साहब का लिखा हुआ एक कलाम है, उन्हीं की एक गजल है ये, और कंपोजिशन मेरे दादा गुरु पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी की है, उन्हीं का गाई हुई गज़ल है, तो मुझे एक ऐसे ही पसंद आई तो मैंने सुना दी। तो हाँ, आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा गाएं कि ऑडियंस को पसंद आ जाए, तो देखिए हम जब गाने सुनते हैं या हम जब फिल्में देखते हैं, हम किस प्रकार की फिल्में देखना पसंद करते हैं और किस प्रकार का गाना जो है हमें छू जाता है? क्यों ऐसा हो रहा है कि सैड रोमांटिक सॉन्ग्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि दर्द भरी अगर कुछ लिखा हुआ है, कुछ गज़ल है या कोई गाना है, तो उसको बड़ा लोग पसंद करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्मों का भी यही रहा है, जहाँ तक कि मुझे मालूम है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जैसा सोसाइटी में चल रहा होता है वैसा ही वो आर्ट जो है वो डिपिक्ट करता है ना? आर्ट समाज के अनुसार जो है हमारी कला की चीज़ें बनती हैं, तभी समाज जो है उनको सुनना पसंद करता है। अगर आप बिल्कुल ही आज से 50 साल पहले चले जाइए और ये जो आज का जो EDM चल रहा है वैसा सुनाइए, कोई पसंद नहीं करेगा उसको, है ना? EDM जो है वेस्टर्न म्यूज़िक है, हम दिखाएंगे उसको, यार ये कैसा संगीत है, ये मज़ा नहीं आएगा जो आज की जनरेशन सुन सकती है। तो तब की जनरेशन नहीं सुन पा रही थी, आज की सुन पा रही है, और आज के लोग पसंद कर रहे हैं उसे। ऐसा क्यों? क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हम पूरी दुनिया से जुड़ चुके हैं, इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, तो अपने आप ही लोगों ने सुनना शुरू कर दिया है उसे, है ना? हमने उनका कल्चर जो अपनाना शुरू कर दिया, ये देखिए कपड़े हम उनके जैसे पहनने लग गए हैं, है ना? शर्ट पैंट पहन रहे हैं हम, जीन्स पहन रहे हैं, ये कल्चर कहाँ का है? हिंदुस्तान का तो नहीं, ये संस्कृति यहाँ की है ही नहीं। तो ये जहाँ की संस्कृति है वहाँ से हम धीरे धीरे उनकी चीज़ें अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी बोली, उनकी भाषा अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी फिल्में जो हैं हम देखना शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसा हम कल्चर अडेप्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका गाना भी हमें पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारी सोच में हमें वही चीज़ रिलेट कर रही है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, हमारे विचार ऐसे बनते जा रहे हैं। उसी तरह से जब हम ऑडियंस के सामने बैठे होते हैं, अगर सामने आपकी ऑडियंस बैठी है, आप उनका एनालिसिस कर लीजिए कि उनमें से कितने शास्त्रीय सीखे हुए हैं और कितने नहीं, कितने हैं जो गज़लों को भी सुनते हैं और कितने नहीं, कितने हैं जो भजन सुनते हैं कितने नहीं, है ना? आपको अपने आप मालूम चल जाएगा, उनके टेस्ट का अंदाज़ा आपको 2-3 बार
गा के मालूम चल जाएगा, और फिर अगर आप उनके अनुसार गाएंगे तो देखिए कि आप पसंद किए जाएंगे। जाहिर बात है, एक गांव में जाकर जहां लोगों को संगीत की ABCD नहीं पता है, वहां जाकर अगर आप बड़ा ख्याल शुरू कर दें अगर राग भैरव का, तो देखिए आपको जूते मार के भगाया जाएगा वहां से, है ना, क्योंकि कोई पसंद नहीं करेगा आपको। क्यों वो आपके क्लासिकल अंदाज को सुनना चाहेंगे? उनको वहां तो वही ढोलक पे जो भजन चलते हैं वैसा ही गाइए उनके सामने, तो ही आप सक्सेस हैं वहां पर, है ना। तो ऑडियंस की जो आपकी रेंज है उस अनुसार आपकी कला होनी चाहिए। देखिए, जाहिर बात है कि दो, मैंने शुरुआत में ही कह दिया, दो चीज़ें होती हैं कि आप दूसरों के मनोरंजन के लिए गा रहे हैं, एक आत्मरंजन के लिए गा रहे हैं। जब आप आत्मरंजन के लिए गा रहे हैं तो वो गाइए जो आपको पसंद है, वो बजाइए जो आपका मन खुश करता हो, वो सुनिए जो आप चाहते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए गा रहे हैं तब ऐसा नहीं रखिए कि मैं अपनी ही सुनाऊंगा, भाई मुझे नहीं मतलब तुम क्या सुनना चाहते हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कलाकार वो है जो अपना भी गाए और दूसरों को भी वो सुनाए जो वो पसंद करते हैं, है ना। जब मैं लाइव करता हूं तो कुछ गजलें मैं अपनी पसंद की गाता हूं, फिर आपकी पसंद लेता हूं कि नहीं आपकी फरमाइश, आप बताएं। क्योंकि जनता जनार्दन कहते हैं जिसको, कि ऑडियंस जो है वो सर आंखों पर रखा जाता है उसको, क्योंकि वो आपको सुन रही है। ऑडियंस हैं तो आप हैं, अगर आप एक कलाकार उस प्रकार के हैं, प्रस्तुति देने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि भक्त है तो भगवान है, है ना। भक्ति नहीं, उसको पूजने वाला ही नहीं तो वो गाएगा भगवान, उसको मानेगा कौन, है ना। तो वही बात है कि ऑडियंस हैं तो हम कलाकार हैं, जाहिर बात है। वरना एक आत्मरंजन वाले कलाकार होते हैं जिन्हें ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं, जो अपने लिए गाते हैं, जो खुद को खुश करने के लिए, खुद की साधना के लिए गाते हैं, फिर उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। खैर, है ना, मैं ये ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ऑडियंस खुश करना चाहते हैं, जो चाहते हैं फेम, है ना, तरक्की। तो उसके लिए दोनों चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है। ऐसा भी गाइए जो अपना है, ताकि एक नया टेस्ट भी ऑडियंस को मिले। ऐसा तो नहीं आप उन्हीं के अनुसार गाते रहेंगे तो फिर उनको नयापन पता ही नहीं है ना, उनको क्लासिकल मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गाइए ही मत, थोड़ा उसका भी अक्स दिखाइए, थोड़ी सी परछाई उसकी भी आनी चाहिए, है ना। पर इतनी नहीं कि फिर उनको मज़ा ही नहीं आए बिल्कुल, है ना। तो आप अगर ऐसे गीत गा रहे हैं, एक नॉन क्लासिकल बैकग्राउंड का अगर कोई एक हुजूम बैठा है आपके सामने, ऑडियंस बैठी है, उनके सामने आप ज़्यादा क्लासिकल भरी गज़लें ना गाएं। यही रीज़न है, आपने अगर सुना हो जगजीत साहब की जो गज़लें हैं वो कहीं ना कहीं कितनी लाइट होती हैं, है ना, उनमें कितना वेस्टर्नाइजेशन है, म्यूज़िक जो है उसका वैसा है। वो ऐसा नहीं है कि वो क्लासिकल गा नहीं सकते, आप उनके क्लासिकल रिकॉर्ड्स उठा के सुनिए, अच्छे अच्छे कलाकार ऐसा नहीं गा सकते जैसा उनका क्लासिकल का गला है। मगर वो जानबूझकर ऑडियंस अनुसार वैसा कमर्शलाइज कर दिया उन्होंने, है ना, कि जैसा मेन स्ट्रीम जो चल रहा है वैसा संगीत, और उसमें फिर बीच बीच में वो अपना भी देते हैं। ऐसा नहीं क्लासिकल का बराबर पुट रहता है, है ना। अगर आप उनकी सवेरे सवेरे सुने, कोई पास आए सवेरे सवेरे, ललित में बनाई है उन्होंने, बताइए, और ऐसा उसको सुन के लगेगा नहीं आपको कि वो ज़्यादा क्लासिकल पुट है, बड़ा ही आसान म्यूज़िक दिया है। तो ये चीज़ होती है, ऑडियंस अनुसार आपको देखना है कि क्या है, तभी ऑडियंस इंप्रेस होगी आपसे, है ना। तो ये एक पॉइंट है, जब आप गाने बैठें तो सबसे पहले मद्देनज़र ये रखें कि आपके सामने कौन है, है ना। अब जब लाइव मैं जाता हूँ यूट्यूब पर, तब क्या है, जनता का कोई कैटेगरी नहीं फिक्स है कि ऐसी ही जनता है, हर प्रकार की। तो वहाँ क्लासिकल भी मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, गज़लें भी और भजन भी, है ना, देसी जो होते हैं टिपिकल जो रीजनल जो भजन है वैसे भी कोशिश करता हूँ। तो ऑडियंस अनुसार गाइए, फिर देखिए सब खुश हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो जहन में रखिए, लेकिन जाहिर बात है ना, इसके लिए वर्सेटैलिटी आप में होनी चाहिए, आपके जहन में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। गाना आना चाहिए आपको अलग अलग ढंग का, सब प्रकार का गाना आना चाहिए। गज़लें आप सुनेंगे तो मेहदी हसन साहब की भी है, है ना, वो भी आप गा सकते हैं, और वही चुपके चुपके रात दिन भी। मैं छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स आपको देके दिखाता हूँ, जैसे है ना, अब मेहदी हसन साहब की अब के हम बिछड़े, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। ये एक रिदम है, ये एक गायकी है, और एक चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, एक ये रिदम है, है ना, और एक ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, एक ये है गजल, है ना, और वैसी भी है, ओ होश वालों को खबर क्या, ऐसी भी गजलें हैं, है ना। तो है ना, तो ये आपने देखा अलग अलग टाइप की हैं। एक मेहदी हसन साहब का जो एक क्लासिकल बेस अंदाज है, एक गुलाम अली का जो थोड़ा वेस्टर्न पुट है, और एक जगजीत साहब का जो थोड़ा फिल्मी टच है, है ना, वैसे जो गीत अंग के जो उनकी गज़लें हैं, है ना, वैसे। तो यही गानों में भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गज़लों का बता रहा हूँ, गानों में भी यही है। अब पुराने फिल्मी गाने उठाइए, जब दीप जले आना,
एक ये अंदाज था और एक फिर आप, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुन्नी बदनाम तक चले जाएं, उस टाइप के तो मत ही गाइए, ठीक है वैसे भी गा सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे कलाकार हैं, है ना। तो वो उनको मैं ऐसा नहीं कि मैं उनको नीचा दिखाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, वो भी मार्केट में चल रहा है, लोग सुनना चाहते हैं तभी बन रहा है और तो क्या, है ना। बट फिल्मी गाने कुछ मगर इस बार तुम्हें आना, ऐसे गाने भी बन रहे हैं भाई जिनके शब्द ऐसे हैं। तो शब्द रचना पर भी निर्भर करता है, आप कैसे शब्द चुनते हैं, कैसी ऑडियंस बैठी है सामने। अब अगर उनको ज़्यादा टिपिकल उर्दू आती ही नहीं है और आप एकदम शुरू कर दें भाई जिहाले मस्ती जो है ना अमीर खुसरो की कोई गज़ल, तो वो नहीं समझ आएगी ना उनको, मीर तकी मीर की अगर आपने पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ये आप ऐसे आज की जनरेशन को सुनाएंगे कोई नहीं सुनना पसंद करेगा, है ना। आज के लोग यही सुनना करते हैं, पसंद करते हैं कि बहुत गई आई गई यादें, अब की बार तुम ही आना, है ना। तो वो भी है, उस पर भी आप देखिए बैलेंस बना के चलिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ झुकाव हो जाए आपका तो खत्म नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को संजो के चलिए। क्लासिकल भी बराबर उतना ही रखिए जितना कि आप लाइट गाते हैं, ठीक है। बस ये एक मेरा विचार है इस सवाल को लेकर। तो बस ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, और ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। शुक्रिया।